अरे तुम लोग, मैं यूएस आ रहा हूँ मार्च 2020 में परफॉर्म करने, बस यही बता रहा था, अब वीडियो देख लो। तो सच में ऐसा है। Actually, see, listen, my name is Abhishek, जो कि मैं सोच रहा था, and it's not a good name. बहुत ही घटिया नाम है। ये कॉमन सा नाम रख दिया वालों ने यार। एक बच्चा हो रहा था। ये नहीं कि इस काम को थोड़ा सीरियसली ले ले। लोग क्या यूनिक यूनिक नाम होते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, मतलब ऐसे जैसे जैसे आपका क्या नाम है? रमेश। तो अभिषेक से घटिया सिर्फ एक और नाम है, पता? लिटरली क्या यार, फ्रंट रो में बैठे रमेश, अभिषेक कौन बुला रखे हैं? फैंस भी तो नहीं पुद्दू नाम वाले बन रहे सर। किसको लगता है उसका नाम यूनिक है? किसी को लगता है? उषाग्र मॉरिस भाई, ये कौन सी भारत है ये? तेरे घर वालों ने क्या सोच के रख दिया था नाम मॉरिस? और किसको लगा था? आयुष्मान। आयुष्मान कौन सा बहन? सुना एक्टर? अबे कॉमन कॉमन नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए, यूनिक। एक मिनट, एक एक बोलिए, कोई क्लास चल रही है, ठीक है? हाँ देखा तमीज से हाथ उठा के कितना है। ओ मतलब जिसके स्पेलिंग बताने पड़े, हाँ यूनिक तो है वो, सही बात है, सही बात है। जैसे ये नाम रहे, आपको याद रहेगा ना, ये मॉरिस द्रुत, ये सब आपको नाम रहे, याद है? अभिषेक क्या? हाँ चौथे बंदे का नाम अभिषेक है। ये 150 लोगों में दो निकल आए, और कोई तो नहीं अभिषेक? अबे तू भी अभिषेक है? यार एक बच्चा और था, मेरा बच्चा और था, मैं कॉपी लेके जैमिंग करता ना थोड़ी, कि नहीं ये नाम हो चुका है, ये बहुत कॉमन है, ये वो, थोड़ा दिमाग तो लगाता। मेरे घर वालों ने इतना ध्यान नहीं रखा, घर ला रहे थे नीचे चला रहा था, अभिषेक अभी रखते धोबी के बच्चे का भी वही। और हर नाम से एक इमेज बन जाती है ना, कि ये नाम है तो इस टाइप का बंदा होगा। सर मैंने भाई कैब बुक की, कैब वाला आया, मैंने कहा भाई सब क्या नाम है? कबीर वाधवा। कैब क्यों चला रहा है यार? अभी जा भाई। By the way, just to clear out, it's not a class thing. क्यों अमीरों के नाम अच्छे होते हैं, गरीबों के नाम बेकार होते हैं, बट मैं सोचा था गरीब लोग के बारे में कि तुम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, नाम तो फ्री होता है, रख लो अच्छा यार, कभी हर बार शंभू, विनोद, प्रभाकर, प्रताप, अब रख लो कुछ कुछ मॉरिस टाइप रख लो। नहीं, हमें सियाराम रखना है। सर कैसे हो जाओ फिर? मुंबई में बहुत सारे लोग सड़क पे सोते हैं सच में, तो मैं तो एक बार सच में मैं क्या करता हूँ, जब भी जो एक्स्ट्रा खाना पैक करा देता हूँ ना, वो हमेशा मैं उनको देता हूँ कि यार किसी की हेल्प भी कर देते हैं, क्या पता कल को नोबेल पीस प्राइज ही मिल जाए। हाँ अपनी जूठी ग्रेवी दी है ना किसी को, तो महान काम किया। ग्रेवी ग्रेवी पीस खा गए थे हम सारे, ठीक है। तो एक दिन बंदा सड़क पे सो रहा था, मैं खाना लेके उससे आस गया, मैं कहा भाई साहब ये खाना चाहिए आपको? कह रहे मुझे मत दो। सर के पास दूसरा आदमी सो रहा है ना, उसे दे आओ जाके, आप दे के आओ जाके, मैं नौकर नहीं हूं आपको, ठीक है? एक तो मैं खा दे रहा हूं, तू मुझे काम पे लगा रहा है। क्या नाम है? आदित्य मल्होत्रा का। मैं दे के आता हूँ, कोई ठीक नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। मुंबई अलग ही सीन चल रहा है यार, ये सच में मुझे ना सच में ये मुंबई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थोड़े दिन पहले, मैं कहना मुंबई में अपनी कार ले आए, क्योंकि यही तो कमी है मुंबई में गाड़ियों की। जब से लेके गया हूँ लाइफ फक हो गई है पूरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में सारे कबूतरों का पेट खराब है। पता है आपको ये बात? वो सिर्फ गाड़ियों पे हकते हैं, वो गाड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के हकते हैं, क्यों सेंट्रो मिल के थोड़ा सेंट्रो पे हक लिया, चलो और कोई गाड़ी लो। ओ मर्सिडीज आज तो फील ही आ गई। सड़कें साफ पड़ी हुई हैं, सिर्फ गाड़ियां गंदी हैं। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आया ना, कबूतर खुशी हो गए, कह रहे हो गृह प्रवेश कर दे इसका, ए वेलकम टू मुंबई।
मैं लाल गाड़ी थी हगक के सफेद कर दी इन्होंने और इतना स्ट्रेटेजिकली हगा है इन्होंने प्लान करके हगा, मैं आपको झूठ नहीं बोला कि हैंडल पे हक दो दरवाजा ना खोल पाए, विंडस्क्रीन पे हक दो कुछ दिखे ना इसको, वाइपर पे हक दो साफ करने जाएगा बेंच और मरेगा ये। बहुत गंदी गलती थी गाड़ी सच में यार, मैं उसको रुक गया सर्विस स्टेशन धुलवाने के लिए, मैं कह गाड़ी दो दो, कह रहे 10,000 रुपये लगेंगे। मैं क्या हो गया गाड़ी 500 धुलती है भाई, क्या हो गया? कह रहे देखो तो गाड़ी क्या है ये, देखो इसे जरा, इसको पहले घर से थोड़ा आप धो के लाओ। सुबह तो हम भी धो रहे बैठ के इसको, 10,000 तो नहीं दूंगा मैं तो। अगले दिन मैं खुद ही धुलवा देते हैं गाड़ी। मैं सुबह उठा गाड़ी के पास गया, देखा वहां गाड़ी ही नहीं है। कबूतर उठा के तो नहीं ले गए कि कौन बाबा उड़ के यहां तक आए हगने, उठा के चबूतरे के पास ही ले चलते हैं और अटैच बाथरूम बनाते हैं। तो वहीं पे एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे लाल गाड़ी थी, देखिए आपने लाल गाड़ी ले गए पुलिस वाले। मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, ठीक है रुक जब गाड़ी निकला के तुझ पे चढ़ा दूंगा। ऐसे बॉम्बे बच जाते हैं सब करके यहाँ पे। तो है ना, फिर मैं पहुंचा, ओ कोई बात नहीं, मैंने तो अभी भी गलती नहीं की। मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन, मैं कहा मेरी गाड़ी लाया आप? कह रहे हाँ, बड़ी गंदी पड़ी थी। मैं ये कौन सा लॉ है कि गाड़ी अच्छी दिख नहीं रही थी सड़क पे रहना ही डिजर्व नहीं करती। मैं रिपोर्ट में क्या लिखा है? छी। नो पार्किंग में थी आपकी गाड़ी तो बताइए। मुंबई में एक रूल है कि ऑड डेट्स को सड़क के लेफ्ट साइड पार्क करनी होती है गाड़ी और इवन डेट्स को सड़क के राइट साइड पार्क करनी होती है ताकि दोनों साइड के लोग बराबर तंग हो। पर ये रूल उनके लिए अच्छा है जिनके पास लाइफ में कोई काम है, कोई रोज कहीं जाना होता है। फालतू लोगों के लिए रूल नहीं है। तो मैं 10 दिन अगर गाड़ी एक ही जगह खड़ी रखूंगा तो 5 दिन हमेशा नो पार्किंग में रहेगी ना। तो शुरू के 10 दिन में 5 बार मेरी गाड़ी उठा के ले गए, 5वीं बार उनके पास गया, मैं कहता हूँ क्या और कोई क्राइम नहीं होता मुंबई में? मैं ही नहीं मिल रहा हूँ आपको सुबह सुबह। क्या सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी? अच्छा भाई 400 रुपये लग रहे हैं इस मुलाकात के हर बार, ये कैसी दोस्ती है? लेकिन एक चीज नोटिस की, जब पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी होती ना तब नहीं कोई चिड़िया हग रही, ऊपर से पुलिस की सिक्योरिटी अलग। मैं कहा यार मैं हफ्ते हफ्ते के दिल्ली जाता हूँ, हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि यार गाड़ी वहाँ सेफ है कि नहीं, इससे अच्छी पार्किंग मिलेगी 400 रुपये में आपको। तो मैं तो जब तुम्हें दिल्ली जाना होता था मैं हाईवे पे हॉरिजॉन्टल लाके जा रहा हूँ गाड़ी, मैं ले जाओ ले ले लो जाओ भग लो जाओ। कबूतर वो निकली 3 दिन रोक के बैठे रहते थे, आएगा तब भग लेंगे।